हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो श्री कृष्ण जी का जो है वो होली स्पेशल श्रृंगार है। सो वाकई बहुत स्पेशल श्रृंगार हुआ है। सो वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और ये पोशाक जो है वो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी, आप घर में बनाती हैं या बाहर से लेती हैं? सो पोशाक आज तक कभी इनकी बाहर से नहीं आई है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने घर में ही तैयार की हैं। हाँ, कभी कभी शगुन जी पोशाक भेज देती हैं, पायल दीदी भेजा करती थी घर, अब तो वो नहीं है तो बस यादें सी रह गई हैं। लेकिन शगुन जी जो है वो पोशाक भेजती हैं, तो जब शगुन जी की पोशाक आती है तो वो पहन लेते हैं, या कोई और भेजता है तो पहन लेते हैं। पर्सनली मैं इनके लिए बाज़ार से कोई पोशाक जो है वो नहीं मंगाती हूँ, मैं घर में ही पोशाक सिलती हूँ और इन्हें पहनाती हूँ। सो ये पोशाक भी देखिए हमने घर में ही बनाई है, बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर का कुर्ता। होली का फंक्शन हो, वाइट कलर के कपड़े ना हो तो ना मज़ा नहीं आता होली का। तो होली पे मैंने इन्हें जो है वो पिंक कलर की बहुत ही प्यारी सी जो है वो ये धोती पहनाई है, और वाइट कलर का जो है वो मैंने इनके लिए कुर्ता बनाया था। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार, बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। काफ़ी मेहनत के बाद जो है हमने ये श्रृंगार किया, और आप देख ही सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मैंने इनका जो है वो चंदन श्रृंगार किया था। सो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जी हाँ, बाबू जितने हमारे सुंदर लग रहे हैं ना क्यों ठाकुर जी ना ऑटोमेटिक सुंदर हो गए, पता नहीं चला भाई कैसे धीरे 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 श्रृंगार होता रहा। और मैंने इनको लगाई है एक बहुत ही प्यारी सी कलगी, ऊपर से जो है वो इनका श्रृंगार राधा रानी जी के श्रृंगार से कुछ हल्का सा मैच करता हुआ। और ये देखें, जी हाँ, अब देखिए आप कितना प्यारा इनका श्रृंगार हुआ है। दो दो कंगन पहनाए हैं, और फेस पे मैंने जो है वो चंदन का थोड़ा सा श्रृंगार किया। मैं कहा रंग तो लगाऊंगी नहीं थोड़ा सा चंदन से ही होली खेल लेती हूँ। सो चंदन का थोड़ा सा मैंने इनके गालों पर, इनके नेत्रों के पास, और जो है इनके लिप्स के नीचे थोड़ा सा मैंने श्रृंगार किया। बहुत सुंदर लग रहे हैं क्यों। और ठाकुर जी ने जो माला पहनी हुई है, दो मालाएं हैं सेम, एक ऑरेंज एक ग्रीन। सो ग्रीन मैंने राधा रानी को पहनाई है, और ऑरेंज जो है वो मैंने इनको पहनाई है, ठाकुर जी को पहनाई है। सो दोस्तों, कैसा लग रहा है श्रृंगार ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। सेम कपड़े की मैंने जो है वो पगड़ी बांधी है, वाइट एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में। और ये जो पिंक वाला कपड़ा आप देख रहे हैं, ये मैंने इसका एक लहंगा मैंने शिवरात्रि पर जो है वो माँ पार्वती जी के लिए बनाया था। तो अब किसी को ये ना रहे कि नहीं दीदी आप झूठ बोल रही हैं, आप घर में पोशाक नहीं बनाती। तो नहीं, हम लोग घर में पोशाक बनाते हैं, क्यों है कि नहीं, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, सो मैं बोल रही थी कि हम लोग घर में ही ज़्यादातर जो है वो पोशाक बनाते हैं। हाँ, सही है। तो ज़्यादातर पोशाक घर में ही बनती है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है दीदी आप किसी से पोशाक बनवाती हैं? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम घर में ही पोशाक बनाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम मैंने कुर्ता बनाया ठाकुर जी का, पहली बार मैंने अपने हाथों से ठाकुर जी को कुर्ता बना के पहनाया, फर्स्ट टाइम। और ये मैं आपको स्पेशल चीज़ और बता दूँ, हमारे चैनल पर जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे, पुराने जो उनको सब पता है, बट जो भी नए जुड़े हैं हमसे उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ कि ये हमारे ठाकुर जी की हमारे साथ पहली होली है ना इस मंदिर में, ये इस मंदिर की भी पहली होली है और ठाकुर जी की भी पहली होली है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए घर में ऐसे ही पोशाक तैयार किया करिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा अनुभव होगा, मैं आपको बता नहीं सकती, बस कह सकती हूँ कि आप एक बार कोशिश करके जो है घर में खुद से पोशाक बनाइएगा, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इस पोशाक का कपड़ा कहाँ से लिया, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने तो दुपट्टे लिए थे, एक पिंक कलर का दुपट्टा लिया और एक वाइट कलर का। और मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा है कि जब आपको बहुत अच्छा पोशाक बनानी हो, कपड़े नहीं मिल रहे हो, तो दुपट्टे बहुत बढ़िया ऑप्शन होते हैं। हर तरीके की वैरायटी मिल जाती है, हर तरीके का कपड़ा मिल जाता है, और जितना बड़ा साइज होता है उसमें पोशाक बहुत इजीली बन जाती है। सो दोस्तों, कैसा लगा ये श्रृंगार ठाकुर जी का स्पेशल, होली स्पेशल, ज़रूर कमेंट करके मुझे शेयर करिएगा। और हमारे ठाकुर जी को तो आप किसी भी एंगल से देखिए, गोलू मोलू ही लगते हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं इस पोशाक में भी। मुझे नहीं पता था इतनी सुंदर पोशाक बनेगी, धोती भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनी है इनकी,
और कुर्ता उससे ज्यादा प्यारा बना है और पटका उससे भी ज्यादा प्यारा बना है। और जब ठाकुर जी ने पहना तो इन सब की रंगत जो है वो ठाकुर जी ने बढ़ा दी। और बांसुरी भी मैंने लगभग लगभग इसी से मैचिंग की थी। और चेहरे पे जो श्रृंगार हुआ है चंदन का वो कुछ खास है ना, वही एक स्पेशल है। सो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड सभी लोगों को हैप्पी होली। इंस्टा पर ज़रूर ज्वाइन कर लें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी होली।